कि जिस तरह निर्मम हत्या हुई, सब को टुकड़े टुकड़े करके गड्ढे के अंदर गाड़ दिया, और इतनी निर्मम हत्या थी कि हर कोई जो देखता है सुनता है वो दिल दहलाने वाली घटना थी। और पुलिस कमिश्नर से लेके सरकार के अंदर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो इस चीज को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे। लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और वह कई संगठन आंदोलन कर रहे थे, और सरकार ने दबाव के अंदर, परिजनों के दबाव के अंदर, जब इनको एम्स में धरना नहीं देने दिया तो ये अपने समाज के छात्रावास के अंदर तेजा मंदिर में बैठ के आंदोलन कर रहे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। आज मुलजिम की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस कह रही है कि अपराध हम तो परिजनों को गिरफ्तार करेंगे, पुलिस की यह दादागिरी राजस्थान में हम कतई नहीं चलने देंगे। पुलिस गलत तरीके से पंगा ले रही है। पहले उस निकम डीसीपी को हटाए, उन तमाम अधिकारियों को हटाए जिनकी सांठगांठ मुलजिमों के साथ थी, और इस मुलजिम के पीछे वो सफेदपोश और बड़े अधिकारी कौन थे जिन्होंने अनिता चौधरी की हत्या को अंजाम दिया, उन तमाम लोगों का खुलासा होना चाहिए। मामले की सीबीआई जांच, मुआवजा और दूसरे जो एक अधिकारी को हटाने की कार्रवाई, और परिजनों को आश्वस्त पुलिस करे तभी यहां से हटेंगे। नोटिस चिपकाने से हम डरने वाले नहीं है, कई नोटिस आए चले गए, हमने खूब नोटिस देखे। इसलिए परिजनों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप निश्चिंत होकर जाएं। अभी चुनाव प्रचार के अंदर में हूँ, मैं मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को मौके पर भेज रहा हूँ, वो अभी आपकी बात भी सुनेंगे, वो आएंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी इस मामले में मुझे खुद को आने की, मैं खुद आऊंगा। हम किसी जाति समाज के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन लोग पीछे थे, इस तरह सब के टुकड़े 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 करके डाल दिए, मतलब कितना जहर और कितना वो था मामला कि कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। इनके पति और बेटा मेरे पास आए अनिता चौधरी के, मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं जैसा हूं पहले दिन से आपके साथ हूं और आगे भी आप लोगों के साथ रहूंगा। आपको पुलिस से घबराने की जरूरत नहीं है, जोधपुर नजदीक है, एक घंटे में पहुंच जाऊंगा आवश्यकता पड़ी तो। अभी छोटा भाई नारायण वहां पे आ रहा है, आरएलपी की पूरी टीम जोधपुर की, उनको मैं बोल रहा हूं कि वो सब घटना स्थल जो आपका धरना है वहां धरना स्थल पर सब लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस की दादागिरी इस तरह राजस्थान और जोधपुर में नहीं चलने देंगे।